भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पतंजलि योग पीठ में हम वेद परंपरा वैदिक आर्ष ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेद परंपरा में ऋषि परंपरा में ऋग यजुर् साम अथर्व की वेद परंपरा, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा की दार्शनिक परंपरा, ईशकेन कठ मंडूक मांडूक के श्वेताश्वरादि तैतरीय ऐतरीय छांदोग्य बृहदारण्यकोपनिषद आदि एकादशोपनिषद की मूल उपनिषद परंपरा, आयुर्वेद परंपरा, व्याकरण परंपरा माने व्याकरण शास्त्र से प्रारंभ करके दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र और इस ब्रह्मांड की संपूर्ण भौतिक विद्याओं से लेकर के अध्यात्म विद्या का जिसमें समावेश है, ऐसी अपरा विद्या और पराविद्या की परंपरा में उपासना के संदर्भ में ओंकार और गायत्री इन दो उपासनाओं का ही मूलतः विधान है। आज हम मन ही मन ओंकार का जप करते हुए मानसिक जप करते हुए और जो अभ्यस्त हो गए हैं जप में तप में साधना में वे अजपा जप करते हुए संकल्प मात्र से ही हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं और मूलाधार से सहस्रार तक एक एक चक्र में ओंकार और गायत्री का ध्यान करते हैं, भगवान की दिव्यता का आधान करते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय इन पांच कोशों में पंच महाभूतों में पंच तन्मात्राओं में पंच प्राणों में पंच उप प्राणों में पंच कर्मेंद्रियों में पंच ज्ञानेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच विषयों में ब्रह्म ही को विषय बनाना, अंतःकरण चतुष्टय में मन से एक ब्रह्म ओंकार तत्व का गायत्री तत्व का मनन, बुद्धि में एक ही ओंकार ब्रह्म का निश्चय, उसी में प्रतिष्ठा ओम प्रतिष्ठा, चित्त में एक ओंकार का ही संस्कार,
और अपने अहंकार को ओंकार में विलीन करके, अहंकार है अपने होने का एहसास, कुछ करने का कि अभीप्सा, तो मेरी सारी अभीप्सा ओंकार के लिए मेरा एकमात्र गंतव्य है ओंकार। मेरा साधन भी प्रभु आप हैं, मेरे साध्य भी प्रभु आप हैं, मेरे आराध्य भी प्रभु आप हैं। ऐसे अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में, इस व्यष्टि में और इस समष्टि में, पिंड में, ब्रह्मांड में एक ही ओंकार ब्रह्म की महिमा अनुभव करते हुए, 37 ट्रिलियन सेल्स में, उन सेल्स के भी एक एक जीन्स क्रोमोजोम से डीएनए में, 72,72,201 नाड़ियों में, और उनमें भी जो प्रमुख शतम चैका हृदयस्य नाड्य तासाम मूर्धानम अभिनिसृतैका तयऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति विश्वंगन्ने उत्क्रमणे भवन्ति, विश्व अन्य उत्क्रमणे भवन्ति। और इन 101 नाड़ियों में भी तो तीन प्रमुख नाड़ियां, ईड़ा पिघला सुषुम्ना, और उसमें भी जो सुषुम्ना नाड़ी है, तो मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में, नवद्वारों में एक ओंकार ब्रह्म तत्व का, गायत्री तत्व का ही ध्यान। और जब भी हम किसी भी संदर्भ में कोई बात हो कहते तो उसका शास्त्र प्रमाण क्या है, उसका रेफरेंस क्या है, तो आइए जिस श्रुति परंपरा में हम जीते हैं, संश्रुति न कभी महिमा श्रुति न विराधि से, वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद से प्रारंभ करके उपनिषदों में, दर्शनों में और रामायण महाभारत से लेकर के भगवद गीता आदि में किस प्रकार से ओंकार और गायत्री की उपासना का विधान किया है, इसका श्रवण भी करेंगे और साथ साथ में ओंकार और गायत्री की उपासना करते हुए अपने पूर्वज ऋषियों की भांति आत्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता बनने के लिए संकल्पित होंगे। आत्मवित और ब्रह्मवित होकर के ऋषि शिखाओं की तरह अपने जीवन में मनुष्यता से देवत्व, देवत्व से ऋषित्व, ब्रह्मत्व का आरोहण पाएं। श्रवण भी करते जाएंगे और ध्यान भी करते जाएंगे ओंकार का। जिनका तन रोगी है, मन में बहुत विकार भरे, कामनाएं भरी पड़ी है, तो कपाल भाती अनुलोम विलोम भी साथ में कर सकेंगे, जिससे कि हमारा तन, हमारा मन परिशुद्ध हो सके और अपने आत्मस्वरूप में हम ओंकार ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो सके। Ooh.
त्रिर्णो अश्विना दिव्यानि भेषजात्र पार्थिवानि त्रिरुदत्तम् अद्भ्यः उमानं शयोर्मम काया सुनवे त्रिधातु शर्मा वहतं शुभस्पति ॐ याभिः शन्ताति भवतु ददाशुषे भुज्युं याभिरधिकृतम् ॐ यावति सुभरामृतस्तुभम् ताभिरुषु ऊतिभिरश्विना गतम् शीरमृक्तं धावतु कायतनयाय शंयोः यूयं हिष्ठाभिषजो मा वृतमा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्रीः मनो ज्योतिर्जुषताम् आज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ता प्रतिष्ठा पायुरनीलम् अमृतं मधिदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो सावादित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम् ॐ खं ब्रह्मा। वेदों में मूलतः कुछ ऋचाओं का पतंजलि गुरुकुलम के ऋषि कुमारों ने ब्रह्मचारियों ने उच्चारण किया और स्वयं भगवान ने अपनी उपासना का विधान जैसे बालक को माता पिता अपने कुलवंश का अपने कर्तव्य का बोध कराते हैं ऐसे हम सब एक ईश्वर की संतान है। परमात्मा अपना नाम अपनी उपासना स्वयं बताते हुए ओम प्रतिष्ठा ओम क्रतो स्मर ओम क्लिबे स्मर ओम कृतम स्मर ओम खं ब्रह्म ओंकार के साथ हम ऐसे एकाकार हो जाए जैसे ये आकाश तत्व सर्वत्र व्याप्त ऐसे ही वह ओंकार ब्रह्म तत्व आकाशवत जो सर्वत्र व्याप्त है उसमें हम तन्मय तद्रूप स्वयं ओंकार ब्रह्म रूप हो जाए। यूं तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं सब वेदों का मूल तात्पर्य ब्रह्म ही से है। उसे एक ओंकार ब्रह्म ही की महिमा चारों वेदों में है।
फिर भी प्रधानता से जहां ओंकार की उपासना का विधान था, कुछ ऋचाओं का हमने श्रवण किया। ओंकार में हम ऐसे प्रतिष्ठित रहे कि उस एक ओंकार ब्रह्म के अतिरिक्त यहां है ही क्या, सब कुछ उसी से है, उसी का है, उसी के लिए है। ऐसे ब्रह्म में हमारी एक अनिष्ठता, ओंकार ब्रह्म में हमारी तन्मयता, तद्रूपता, ओंकार के साथ हम ऐसे एकाकार हो कि व्यष्टि से लेकर समष्टि तक, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक, सब स्वरूपों में उसी के स्वरूप को, सब संबंधों में उसी के संबंध को, सब कार्यों में ब्रह्म कर्म अनुभव करते हुए ओंकार ब्रह्म के साथ पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण अभ्यास से, पूर्ण विवेक वैराग्य से, पूर्ण मुमुक्षुत्व से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण अभिप्सा से ऐसे एकाकार हो जाएंगे, बस उसमें ही पूरे समाहित हो जाए। आइए, वेदों के साथ साथ उपनिषदों में जो ओंकार की उपासना का विधान स्वयं आत्मवेता ब्रह्मवेता हमारे योगियों ने किया है, और ओंकार और गायत्री की उपासना के द्वारा ही अपने जीवन में सब प्रकार के देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को उपलब्ध किया है, उसका श्रवण भी करते जाएंगे और ओंकार का ध्यान भी साथ साथ चलता रहेगा। अथ उपनिषत् पाठः वायुरनिलम् अमृतम् अधेदम् भस्मान्तम् शरीरम् ॐ क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर। सर्वे वेदायत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वा निचयद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। प्रणवो धनुशरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम् शरवत्तन्मयो भवेत्। अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स ईशो अन्तश्चरति बहुधा जायमानः। ओमित्येवं ध्यायत आत्मानम् स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। अथ मांडुक्योपनिषद्। ॐ इत्येतदक्षरम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति। सर्व ओंकार इव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार इव सर्वं।
ब्रह्म ये तत् ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्मा सूयमात्मा चतुष्पाद जागरितस्थानु बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूल भुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुक्त तैजसो द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयति न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्ति चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां नान्तः प्रज्ञम् न बहिष्प्रज्ञम् नो भयतः प्रज्ञम् न प्रज्ञानघनम् न प्रज्ञम् न प्रज्ञम् अदृश्यम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तम् शिवमद्वैतम् चतुर्थम् मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः सोऽयमात्माध्यक्षरम् ओङ्कारोधिमात्रम् पादमात्रा मात्राश्च पादा अकार उकार मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्रा अप्तेयादिमत्त्वाद्वाप्नोति हवै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस तैजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वात् उत्कर्षति हवै जानसन्ततिं समानश्च भवति
नास्य ब्रह्म विदकुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्युमकारस्तृतीया मात्रा मितेरमिते वा विनोति हवा इदं सर्वं अपीतिश्च भवति य एवं वेद अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोद्वैतः एवं ओंकार आत्मैव संविशत्यात्मना आत्मानम् य एवं वेद य एवं वेद इति मांडुक्योपनिषद् ओम इति ब्रह्मा ओम इति इदं सर्वं ओम इत्येतत् अनुकृतिर् हस्मा वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओम शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति ओम इति अध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ओम इति ब्रह्मा प्रसौति ओम इत्यग्निहोत्रमनुजानाति ओम इति ब्राह्मणः प्रवक्षन् आह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठाः अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था वह्नेर्यथयो निगतस्य मूर्तिर् न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः स भूयैवेन्धनयो निगृह्यस्तद्वो भयं वै प्रणवेन देहे स्वदेहम् अरणिं कृत्वा प्रणवञ्चोत्तरारणी ध्याननिर्मथनाभ्यासात् देवं पश्येन्निगूढवत् तदेतन्मिथुनम् ओमित्येतस्मिन्नक्षरे संसृज्यते यदा वै मिथिनौ समागच्छत आपयतो वै तावन्योन्यस्य कामम् आपयिताः वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरम्
उद्गीथम् उपासे तद्वा एतद् अनुज्याक्षरम् यद्धि किञ्चानुजा नात्युमित्येव तदाह एषा एव समृद्धिर्यदनुज्ञा समर्धयिता हवैकामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरम् उद्गीथम् उपासे तेनेयं त्रैविद्या वर्तत ओमित्याशावयत्योमिति संशत्योमिति उद्गायति एतस्यैवाक्षरस्यापचित्यै महिम्नारसेन अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति शेषस्वरन्नेति अथाध्यात्मं य एवायम् मुख्यः प्राणः तम् उद्गीतम् उपासितोमिति शेषस्वरन्नेति अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इति होत्रिषत् अनाद्यैवापि दुरुद्गीतम् अनुसनाहरति इत्यनुसमाहरतीति ॐ खं ब्रह्मा खं पुराणम् वायुरं खमिति हस्माः कौरव्यायणी पुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुः वेदैनेन वेदितव्यम् इति उपनिषत्पाठः वेद और उपनिषद के साथ साथ ओंकार कहे प्रणव कहे उद्गीत कहे जब ओम को ही हम लंबा बोलते हैं तब यही उद्गीत हो जाता है ओंकार ही ओंकार ही प्रणव है। जब हम स्तुति करते करते ओंकार के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाते हैं तब ये ओंकार ही प्रणव हो जाता है। ओंकार ही प्रणव है ओंकार ही उद्गीत है
ओंकार ही ब्रह्म है और ये सब कुछ जो हमारे भीतर बाहर पिंड ब्रह्मांड में जो कुछ मूर्त अस्तित्व है यह भी सब ओंकारमय है, ओंकार से ही है। यही ओंकार ब्रह्म की मूर्त अभिव्यक्ति है, भगवान का प्रत्यक्ष है। इसीलिए हम भगवान के जो दो रूप हैं, मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, विश्वमय विश्वातीत रूप में यह अपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। दृष्टि हमारी दो ही जगह जाती है, या तो किसी स्वरूप में जाती है, ये सब स्वरूप जिससे पैदा हुए उस शक्ति में जाते हैं। कौन सी है वो शक्ति जिससे सब कुछ ये अभिव्यक्ति हुई है? विज्ञान की भाषा में मैटर या एनर्जी, ये दो ही तो तत्व है, और ये दो ही उसी ब्रह्म के दो स्वरूप है। इस मैटर में, इस एनर्जी में, इस विश्वमय और विश्वातीत ब्रह्म में, अपर ब्रह्म में, पर ब्रह्म में, ओमुद्वयम् तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवम् देवत्र सूर्यम् अगन्म ज्योति। उस ओंकार प्रणव उद्गीत की उपासना करते हुए मैंने कहा ध्यान का जो विधान है उसमें मूल साधना, मूल उपासना, मूल नाम और मंत्र ओंकार और गायत्री ही। शास्त्र प्रमाण से इसको हम जान रहे हैं और अपने अनुभव से भी, जब हम ओंकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं, तब स्वयं भी इस ओंकार ब्रह्म तत्व की महिमा की हमें अनुभूति होती है। तो आइए ओंकार की, गायत्री की उपासना करते करते ही वेदादि समस्त शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में, भगवद गीता में, नीति शास्त्रों में, सर्वत्र उसी ओंकार की महिमा गाइए, उसका और श्रवण करते जाएंगे। ओंकार की महिमा सुनना, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार और गायत्री की उपासना करते हुए सब शास्त्रों में जो महिमा कही है ओंकार और गायत्री की, उसका श्रवण भी करते जाए और उस महिमा में भगवान की महिमा को अनुभव करते हुए, जैसे ही हम भगवान की महिमा को स्वीकार करते हैं, भगवान की महिमा को गाते हैं, तो उस भगवान से अनन्य प्रीति हो जाती है और हम भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं। आइए शास्त्र पाठ भी सुनते रहेंगे और मन ही मन ओंकार का, गायत्री का जाप भी करते रहे। अथ रामायणम् ओंकारोऽथव षट्कारो वेदाश्च वरयन्तु माम् क्षेत्रवेदविदां श्रेष्ठो ब्रह्मवेदविदामपि वेद ब्राह्मण रूपेण गायत्री सर्वरक्षिणी ओम
उपकारोऽथवा षट्कारः सर्वे रामकनुव्रताः अथ महाभारतम् अग्निहोत्रमुखावेदा गायत्री छन्दसामुखम् राजामुखम् मनुष्याणाम् नदीनां सागरोमुखम् सत्यं वेदास्तथाङ्गानि सत्यं विद्यास्तथा विधिः व्रतचर्या तथा सत्यम् ओंकारः सत्यमेव च ओंकारमग्रतः कृत्वा मां नमस्कृत्य नारद एकाग्रप्रयतो भूत्वा इमं मन्त्रम् उदीरये सायं प्रातश्च सन्ध्यायो ब्रह्मणोऽभ्युपसेवते रजपन् पावनी देवी गायत्री केरमातरम् गीता गंगा च गायत्री गोविन्दे हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते अथ मनुस्मृतिः ओंकारपूर्विका तिस्रो महाव्यारितयो व्ययाः त्रिपदा चैव सावित्री वेज्येयं ब्राह्मणो मुखम् ब्रह्मणा प्रणवं कुर्यात् आदौ वन्दे च सर्वदा श्रवति अनुकृतं पूर्वम् पुरस्ताच्च विशीयति प्राकूलान् पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः प्राणायामश्रीभिः पूतः तत ओङ्कारमर्हति सव्यारिति प्रणवका प्राणायामस्तु षोडश अपि भ्रूणहडम्मासात् पुनन्ति अहरः कृताः अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः वेदत्रयनिरदुः भूर्भुवः स्वरतीति च अथ गीतापाठः रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः
भावः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं ऋषु ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारं मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋग्वेदामयजुरेव च महर्षीणां भृगुरहम् गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च व्यज्ञाश्च विहितः पुरा तस्मादो मित्युदारित्य यज्ञदानतपः क्रिया प्रवर्तन्ते विदानोका सततं ब्रह्मवादिना अथ चाणक्यराजनीतिशास्त्रम् ओङ्कारशब्दो विप्राणा यस्य राष्ट्रे प्रवर्तते स राजा हि भवेद्योगी व्याधिभिश्च न पीड्यते इति चाणक्यराजनीतिशास्त्रम् वेद शास्त्र से लेकर के राजनीति शास्त्र तक सर्वत्र ओंकार की महिमा कही। तस्य वाचकः प्रणमः योग शास्त्र में और व्याधिस्त्यान संसप प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अनबद्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व रूप जो चित्त विक्षेप कहे। और राजा के राष्ट्र में कोई व्याधि ना हो तो ओंकार की उपासना करें, राजा भी ओंकार की उपासना करें, प्रजा भी और ओंकार की उपासना में कोई वर्ण भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई आयु भेद नहीं। मां की कोख में जब बच्चा पल रहा होता है तब मां को ओंकार का जप करना चाहिए और बच्चा जब पैदा होता है तब ओम वेदोसी कह करके हम उसको पहला स्वर उसके कान में ओंकार ही कहते हैं। जन्म से लेकर के और इस देह की मृत्यु पर्यंत कुछ भी हम शुभ कार्य करते हैं ओम कृतोस्मरण, उसमें सफलता विजय प्राप्त करते हैं ओम कृतम स्मरण, कुछ भी कार्य आरंभ करते हैं ओम करोमि ओम आगच्छामि ओम गच्छामि ओम जोहोमि
यजन करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य अनुसंधान और जो भी राज काज आदि नित्य कर्म से लेकर के अग्निहोत्रादि से लेकर के सब में ओंकार ही एक तत्व समाहित है। ऐसे हम ओंकार के साथ ऐसे एकाकार हो जाएं कि ध्यान के समय तो एक ओंकार में ही ये पिंड और ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि ओमिति सर्वम, ओमिति इदम सर्वम, ओम खम ब्रह्मा, ओम प्रतिष्ठा, ओमिति ब्रह्मा, ओंकार के साथ ऐसे एकाकार हो जाएं कि पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि जड़ चेतन जीव जगत सब कुछ ओंकार में हमें प्रतीत हो। यही अंतिम प्रतीति है, यही शाश्वत प्रतीति है, यही नित्य प्रतीति है। ऐसे हम ओंकार की उपासना करें और उपासना काल के अतिरिक्त जब हम व्यवहार काल में व्यवहार करते हैं तब भी ओम के अनुस्मरण पूर्वक सब कार्य करें। प्रणाम करें तो ओम पूर्वक, कहीं जाएं प्रयाण करें तो ओम पूर्वक, ओम मधुमन में निकवणम, मधुमन में परायणम, माचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदेश। कुछ मंत्र पाठ करें तब भी ओंकार पूर्वक। जीवन में सफलता विजय मिलती है तब भी ओंकार का ही धन्यवाद, प्रभु आपकी कृपा से ये सब संपन्न हुआ। ओम कृतो स्मर, ओम कृतम स्मर, ऐसे ओंकार की उपासना साधना काल में व्यवहार काल में ओम प्रतिष्ठा, जैसे वेद में कहा हम सदा ही ओम में प्रतिष्ठित रहे। ओम तो हम सबके हृदय में प्रतिष्ठित है ही, यही अवतीर टीलोपश्य कह करके महर्षि पाणिनि ने भी कि ओंकार में सब नाम सब मंत्र सब शब्द सब अर्थ सब संबंध सारे सत्य ओंकार में समाहित है। अवधातु से मनि प्रत्यय करके उसके टी भाग का लोप हो करके ओम शब्द बनता है। अकार उकार मकार से भी ओम शब्द की निष्पत्ति उपनिषदों में कही है और उसमें वैश्वानर रूप में, हिरण्यगर्भ रूप में, प्रजापति के रूप में एक ही परमेश्वर का ये सारा ऐश्वर्य है। ईश्वर का ही है जग सारा, नहीं उससे कुछ भी नहीं आ रहा है, एक उसी का उजियारा सब जगह है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भाह सदृशी सासा भासस्तस्य महात्मना न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम कुतो यम अग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भास सर्वं इदं भूतपाति। ऐसे ओंकार के साथ हम एकाकार होते हुए स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में उसकी महिमा को अनुभव करते हुए जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय अवस्था में उसकी महिमा को अनुभव करते हुए पंच कोशों में, पंच प्राणों में, पंच उपप्राणों में, पंच महाभूतों में, पंच तन्मात्राओं में, पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेन्द्रियों में, उनके सब विषयों में, अंतःकरण चतुष्टय में, 72,72,201 नाड़ियों में, अष्ट चक्रों में, नवद्वारों में, 37 trillion सेल्स में, इस बॉडी में, इस यूनिवर्स में एक ब्रह्म की महिमा को अनुभव किया।
ऐसे एक एक बार उच्चारण करके समस्त तत्वों में व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक, सर्वत्र एक ओंकार की अनुभूति करना। उसको अनेक बार उच्चारण करके यह अनुभूति हो पाएगी और कुछ एक ही बार उच्चारण कर करके बस ओम ऐसा बोला और ओम एक हो गए, ओम के ही हो गए। अब रक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धि। ओम के अर्थ महर्षि पतंजलि ने यही कहे, पाणी ने भी यही कहे, सब ऋषियों ने भी यही कहे। महर्षि पाणी ने कह रहे अवरक्षण, रक्षा क्या प्रभु, और यही सत्य है। हम कितने ही ज्ञानवान, कितने ही बलवान, कितने ही धनवान, ऐश्वर्यवान हो जाए, श्वासों की डोर तो प्रभु के हाथ में ही रहती है। अवरक्षण गति, जीवन की सारी गति प्रगति प्रभु के विधान से ही हमारी है। कांति उसी की कांति चारों ओर है, अवरक्षण गति कांति प्रीति, वो सबसे प्रीति करता है सब प्रकार से, और वही एक परम प्रीति करने योग्य। तृप्ति उसी की भक्ति में पूर्ण तृप्ति है। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ हम कर रहे हैं उसको समझता है, और वही एक ऐसा तत्व है हमारी मनसा वाचा कर्मणा जीवन में जो कुछ भी निष्पन्न होता है उसका केंद्र भगवान हो, उसका साध्य भगवान हो, आराध्य भगवान हो। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश, वो सब जगह प्रविष्ट है। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण, वो सबकी सुनता है। इसी को हम सुनाए और किसके सामने अपनी पीड़ा गाया। स्वामी हम सबका स्वामी, अर्थ सार है, अर्थ उसी से है, हम उसी से समर्थ होते हैं, वो सर्व समर्थ है। स्वामी अर्थ याचन, हम उसी से एक ही याचना करते हैं, प्रभु आपकी शरणागति में रहें और आपके विधान में चले। बस क्रिया इच्छा, सारी क्रियाएं, सारी इच्छाएं, सारे संकल्प, सारे पुरुषार्थ, सारी चेष्टाएं प्रभु हमारे आपके लिए, याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति, आपकी दीप्ति सब और अनुभव करें, आपकी अवाप्ति इसके अलावा और यहां है क्या? आपके आलंबन में, आपके आलिंगन में हम सदा रहे और आप सदा अपने आश्रय से हमें उभारते ही रहते हो। दीप्ति अवाप्ति आलिंगन, सदा प्रभु अपने आश्रय में हमें लिए हुए हैं, अपने आशीषों से अभिषिक्त करते रहते हैं, हमें सदा उभारते रहते हैं। हमारे मस्तिष्क को अपने दिव्य ज्ञान से, हमारे हृदय को अपने दिव्य संवेदनाओं से, हमारे हाथों को अपने दिव्य कर्मों से वो युक्त करते रहते हैं। हमारे हेड में, हमारे हार्ट में, हमारे हैंड्स में वही ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग बन करके उपस्थित रहते हैं। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा, और जो बुरे विचार है, दुर्विचार है, दुर्भावनाएं हैं, दुष्कर्म है, अज्ञान है, अश्रद्धा, अकर्मण्यता है, अशुभ है, असुरत्व है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि क्लेश है, इन सबसे प्रभु हमें हटाते हैं, बचाते हैं, इनको मिटाते हैं। इसलिए हिंसा आदान, सदा आपने अपने आश्रय में हमें लिया हुआ है। भज सेवायाम भाग, आपकी ही सेवा में सदा उपस्थित रहे प्रभु हम, और आप में ही सदा हम उन्नति पाए, आप में सदा आरोहण पाए। हिंसादान भाग विद्धेश, ऐसे कहे कि महर्षि पाणिनि ने जो ओंकार का अर्थ किया है, ऐसे ओंकार की अर्थ भावना पूर्वक तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभानुम, ओंकार की उपासना करें,
साथ में गायत्री की भी उपासना करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हे सर्वरक्षक प्रभु, भूः प्राणाधार, भुवः सब दुख दूर करने वाले, स्वः सब सुख देने वाले, इस पृथ्वीलोक देवलोक और अंतरिक्ष लोक के स्वामी प्रभु, हे अंतर्यामी तत्सवितुर्वरेण्यं, सबके सृजन करने वाले प्रभो, वरेण्यम आपका वरण करे, आपके अनंत गुण कर्म स्वभाव का हम धारण करें। सवितुर्वरेण्यम भर्गा, सब क्लेशों का भस्म करने वाला, सब दोषों को दूर करने वाला, जो आपका दिव्य तेज है उसका हम वरण करें। देवस्य धीमहि प्रभो, आपकी सब दिव्यताओं का हम धारण करें, तेरे दिव्यता से सदा युक्त रहें, दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य कृति से, तेरे दिव्य ज्ञान से, दिव्य निष्ठा से, दिव्य कर्मों से, विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पश्वसेन्द्रस्य युच्य सत धियो यो न प्रचोदयात्। धिया बुद्धियों को यह परमात्मा न हम सबकी प्रचोदयात्, सन्मार्ग पर, वेद मार्ग पर, योग मार्ग पर, अष्टांग योग के मार्ग पर, धर्म के, सत्य के, पुण्य के मार्ग पर प्रभु प्रेरित करना। ऐसे ओंकार और गायत्री की उपासना करें। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। फिर दोनों हाथों के गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा गंजन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लें।